प्रणाम सभी को, मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष आजाद सिंह, IFPH के हिंदी मंच पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज के सेशन शुरू करने से पहले हम 1 मिनट का साइलेंट प्रेयर करेंगे। जी धन्यवाद। जैसा हम सभी जानते हैं, ये IFPH का हिंदी सेशन है जो 7 से 8 बजे तक के लिए चलेगा। IFPH एक कोशिश है, इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी, बेसिकली कोशिश है जहां हम चाहते हैं कि अलग अलग डॉक्टर्स हमारे बीच में आके जुड़ें और अपना ज्ञान हमारे बीच साझा करें। इसी कोशिश के तहत आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर पूरव देसाई। सर, आपका IFPH के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का सेशन शुरू करने से पहले आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत हार्दिक बधाइयां। हमारे बीच में रतुल सहनी सर और पूरव देसाई सर जैसे राम प्रवेश शाह जी भी जुड़े हैं, तो आप सभी लोगों को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं सर के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी देना चाहूंगा। जैसा हम सभी जानते हैं, डॉक्टर पूरव देसाई जी प्रिंसिपल जवाहरलाल नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज पारुल यूनिवर्सिटी हैं सिंस 9 अप्रैल 2011, डीन फैकल्टी ऑफ होम्योपैथी पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा सिंस 11 जुलाई 2015, हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट जवाहरलाल नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल वडोदरा सिंस 9 अप्रैल 2011, NABH असेसर फॉर आयुष हॉस्पिटल, NAAC असेसर, मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर पारुल यूनिवर्सिटी, चेयरमैन इंस्टीट्यूट एथिक्स कमिटी डॉक्टर VH दवे होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, चेयरमैन ग्रीवियंस रिड्रेसल सेल पारुल यूनिवर्सिटी, मेंबर ऑफ BOS राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज। एजुकेशन अगर बताऊं तो सर ने अपना BSMS कंप्लीट किया है सरदार पटेल यूनिवर्सिटी गुजरात से 1998 में। सर की MD भी उसी कॉलेज से है, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी गुजरात, September 2007। एंड सर ने अपनी PhD कंप्लीट की है इन 2022। सर का रिसर्च टॉपिक था अ कंपेरेटिव क्लिनिकल स्टडी ऑफ होम्योपैथी वर्सेज एलोपैथिक मैनेजमेंट इन ट्रीटमेंट ऑफ टॉन्सिलाइटिस। सर के एकेडमिक एक्सपीरियंस की बात करें तो सर के पास 26 ईयर्स का एकेडमिक और क्लिनिकल दोनों एक्सपीरियंस है। इसके अलावा सर ने काफी सारे सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप्स, कोर्सेज और वेबिनार्स ऑर्गेनाइज कराए हैं। सर ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी रहे हैं नेशनल सेमिनार ऑन होम्योपैथी 2023 में, नेशनल होम्योपैथिक समिट 2022 में, वर्कशॉप ऑन ओरिएंटेशन टू रिसर्च इन होम्योपैथी 2023 में, CEP कोर्स जो 2021 में हुआ था उसमें, टीचर्स वर्कशॉप ऑन 15 सितंबर 2015, नेशनल सेमिनार ऑन होम्योपैथी 12 दिसंबर 2019, नेशनल सेमिनार ऑन होम्योपैथी 28 एंड 29 जून 2019। इस क्लासिकल होम्योपैथी में डॉक्टर फारूक मास्टर ने भी साथ में ज्वाइन किया था। नेशनल सेमिनार ऑन होम्योपैथी 10 जून 2018, ये टॉपिक होम्योपैथी इन कार्डियोलॉजी का था जिसमें डॉक्टर आदिल चिंतन वाला भी थे साथ में। थर्ड नेशनल होम्योपैथिक समिट January 2017, नेशनल सेमिनार ऑन होम्योपैथी 14 दिसंबर 2014, नेशनल सेमिनार ऑन होम्योपैथी एंड एकेडमिक वेबिनार्स। तो जैसा हम समझ सकते हैं, सर ने काफी सारी चीजें कर रखी हैं अभी तक। सर ने इसके अलावा बुक भी पब्लिश की है, ऑथर ऑफ बुक टाइटल्ड एडवांसमेंट इन होम्योपैथी विद फंडामेंटल्स एंड एडवांसमेंट ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी। सर ने 2 बुक्स पब्लिश की हुई हैं और इसके अलावा काफी सारे रिव्यूज और आर्टिकल पब्लिकेशन है। आज का सर का टॉपिक है जनरल डिजीजेस के केसेस में होम्योपैथी का क्या यूज हम कर सकते हैं इसके बारे में। सर, IFPH के इस मंच में मैं आपका स्वागत करता हूं, आप प्लीज अपना आज का टॉपिक शुरू करें। थैंक यू डॉक्टर मनीष। सबसे पहले तो मैं सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम और गुरु पूर्णिमा के दिन पे सबको हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा। आपने काफी हद तक मेरा परिचय तो दे ही दिया है, तो अभी उसमें ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। आज का मेरा टॉपिक कॉमन कंडीशंस अंडर मैनेजमेंट विद होम्योपैथी मैंने इसलिए लिया है कि ज्यादातर लोग जो हम सेमिनार्स वगैरह में देखते हैं वो अनकॉमन डिसीजेस वगैरह में ही होम्योपैथी का प्रचार करते हैं, लेकिन सच में अगर रियलिटी में अगर ग्रास रूट लेवल पे अगर हम जाते हैं तो मैंने ये देखा है कि अगर हम कॉमन कंडीशंस में होम्योपैथी को अगर प्रमाण करते जाएंगे तो बहुत कॉमन पब्लिक होम्योपैथी का ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा अगर यूज करेंगे तो हम एलोपैथी के सामने एक सक्षम थेरापी के माध्यम से उभरेंगे। तो आज का मेरा टॉपिक है कॉमन कंडीशंस एंड द मैनेजमेंट विथ होम्योपैथी। जनरली मैं हमेशा
हनीमेनियन ओथ से मेरी शुरुआत करता हूँ। तो ऑन माय ऑनर आई श्वेयर दैट आई शैल प्रैक्टिस द होम्योपैथिक टीचिंग ऑफ होम्योपैथी, परफॉर्म माय ड्यूटी एंड रेंडर जस्टिस टू माय पेशेंट एंड हेल्प द सिक हुस एवर कम टू मी फॉर द ट्रीटमेंट, एंड मे द टीचिंग ऑफ मास्टर हनीमेन इंस्पायर मी एंड मे आई हैव द स्ट्रेंथ फॉर माय मिशन। दिस इज द कोट फ्रॉम महात्मा गांधी जी। होम्योपैथी केयर्स अ लार्ज नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ केसेस दैन एनी अदर फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट एंड इज बियॉन्ड डाउट सेफ एंड मोर इकोनॉमिकल। हमारी सिस्टम अहिंसा वाली सिस्टम है जो सभी जानते हैं, और इसका एम जैसे मैंने बताया है टू एसरटेन द एफिकेसी ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन इन जनरल क्लिनिकल प्रैक्टिस। थोड़ा सा मैं ये भी करना चाहूंगा कि बहुत सारी जगह पे लोगों के बारे में इस तरह की मिस चलती है कि होम्योपैथी स्लो इफेक्ट दे रहा है। ऐसा नहीं है, होम्योपैथी एलोपैथी के बराबर ही फास्ट रिजल्ट ही देता है। ठीक है, थोड़ा सा मैं प्रैक्टिसिंग अप्रोच के बारे में बात करूंगा। आजकल बच्चों में बहुत सारा प्रॉब्लम ये रहता है कि हम किस तरह से प्रैक्टिस करें, क्योंकि होम्योपैथी में भी तरह तरह के प्रैक्टिसिंग अप्रोच है। तो मैं थोड़ी सी उस पर हाईलाइट्स डालना चाहूंगा। पहले तो सिंपल यही एक बता देना चाहता हूँ कि जो हमारा होम्योपैथी है, इट्स अ ब्रांच दैट ऑफ थेरापेटिक्स दैट ट्रीट्स द पेशेंट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर सिमिलेबस क्यूरेंटर, विच सिंपली मीन्स लेट लाइक बी क्योर बाय लाइक। एवरीवन नोज दैट, एंड देर आर सेवन कार्डिनल प्रिंसिपल्स। वो कार्डिनल प्रिंसिपल्स भी हमारे बहुत सिंपल है, लॉ ऑफ सिमिलिया, लॉ ऑफ सिंप्लेक्स, लॉ ऑफ मिनिमम, डॉक्ट्रिन ऑफ ड्रग प्रूविंग, थियरी ऑफ क्रोनिक डिजीज, थियरी ऑफ वाइटल फोर्स एंड डॉक्ट्रिन ऑफ ड्रग डायनेमाइजेशन। लेकिन इसका ऑर्गेनोन के हिसाब से जिस तरह का लोग ये लेते हैं, मीनिंग निकालते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा उसमें और अलग तरीके से ऐड किया जाए तो भी ये हमारी जनरल प्रैक्टिस में बहुत ही उपयोगी साबित हो सकते हैं। थोड़ा सा जनरल सभी को पता है कि होम्योपैथी वर्ड कैसे आया है, और नेचर्स लॉ के बारे में भी सबको पता है, तो उसमें ज्यादा मैं टाइम नहीं निकालूंगा। लेकिन साथ कार्डिनल प्रिंसिपल को हम हमारी प्रैक्टिस में कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं उसके बारे में सिंपल मैं बता दूं। लॉ ऑफ सिंप्लेक्स का मतलब सिर्फ सिंपल मेडिसिन ये भी नहीं है, लेकिन मैं एक सिंपल चीज बता देता हूँ कि अगर आपका सिंपल अंडरस्टैंडिंग पेशेंट्स के बारे में है, अगर आपका सिंपल अंडरस्टैंडिंग थेरापेटिक्स का है, और अगर आपका सब्सटेंस ऑफ मेडिसिन और कोर्स ऑफ डिजीज के बारे में सिंपल नॉलेज भी है, तो भी आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो लॉ ऑफ सिंप्लेक्स का ये भी एक काम है। लॉ ऑफ मिनिमम, मिनिमम का मतलब सिर्फ डोजेस ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन जो मिनिमम नॉलेज हमारा होम्योपैथी में होना चाहिए, लेकिन उसको कैसे यूटिलाइज करेंगे प्रैक्टिस में, वो भी बड़ा कार्यरत रहता है। तो मेरा कहना ऐसा है कि लॉ ऑफ मिनिमम में सिर्फ मिनिमम क्वांटिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका मिनिमम नॉलेज होना चाहिए। ताकि किसके लिए, तो डिसीज के बारे में पेशेंट को समझना चाहिए, उसके मिनिमम सिम्टम्स क्या क्या है उसको अगर आप समझ लेंगे तो शायद आप अच्छे से उसको ट्रीट कर पाएंगे। डॉक्ट्रिन ऑफ ड्रग प्रूविंग, सबको पता है कि हमारी बहुत सारी मेडिसिन है, बहुत सारी मेडिसिन में कई मेडिसिन बहुत अच्छी प्रूवन भी नहीं है, लेकिन आजकल ऐसा भी ट्रेंड चला है कि जिस मेडिसिन का नाम ही हमें नहीं पता है वही मेडिसिन भी ज्यादा ज्यादा यूज होती रहती है। तो मेरा एक कहना ऐसा है कि आप कॉमन मेडिसिन को जो ऑलरेडी मैं कहता हूँ कि प्रूवन हो चुकी है, बार बार यूज होती है, हम उसी को क्यों ना यूज करें, उससे अच्छे से अच्छे रिजल्ट मिलते ही है। ठीक है, थियरी ऑफ क्रोनिक डिजीज, सबको ये भी पता है कि हमारा सिस्टम में तीन मायाजम्स है, सोरा, साइकोटिक एंड सिफिलिस। तो इसका भी थोड़ा सा बेसिक नॉलेज हमें कहीं ना कहीं प्रैक्टिस में अगर हम यूटिलाइज करेंगे तो ही हम प्रैक्टिस में सफल होंगे। तो पहले थोड़ा सा मैं एक ग्राउंड वर्क इस तरह का तैयार कर देना चाहूंगा ताकि सभी को एक अपना साइंटिफिक ये भी रिवीजन हो जाए, और साथ में हमें प्रैक्टिस में क्या करना है वो भी हमको महसूस हो जाए। हम सब जानते हैं कि बॉडी में वाइटल फोर्स होता है, वाइटल फोर्स ही मेन फोर्स है जो बॉडी को हेल्थ सिस्टम में बनाए रखता है। डिसीज का मतलब क्या, एवरीवन नो इन डिसीज द डायनेमिक डिरेंजमेंट ऑफ द वाइटल फोर्स विच लीड्स टू डिसहार्मोनी एंड ऑल्टरेशन इन द बॉडीली फंक्शंस एंड सेंसेशन। ये हम ऑर्गेनोन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एपोरिज्म 9 एंड 10 के अंदर। और एक्चुअली हमारा काम क्या है विथ गिविंग अ होम्योपैथिक मेडिसिन, हमें जो ये ऑल्टर्ड वाइटल फोर्स है उसको वापस रिप्लेस कर देना है। ठीक है, तो इट इज दी व्हिच नो द प्रोसेस ऑफ रिपेयर। वाइटल फोर्स को ये भी पता है कि रिपेयरिंग प्रोसेस कैसे करना है। मैं सिंपल एक एग्जांपल देता हूं, अगर हमें कहीं पे भी कट इंजरी हुई तो नए सेल्स उस कट इंजरी में ही बनते हैं, क्योंकि
क्यों? तो बॉडी नोज द प्रोसेस ऑफ रिपेयर, लेकिन हमें क्या करना है, हमारी दवा के माध्यम से इस प्रोसेस के रिपेयर के प्रोसेस को एनहांसमेंट करना है, ठीक है? तो ये बेसिक कंसेप्ट हमारा एज अ डॉक्टर पता होना चाहिए। डॉक्ट्रिन ऑफ ड्रग डायनामाइजेशन, ये डॉक्टर हनीमैन सर ने ये किया था। तो सबको ट्राइचुरेशन के बारे में और सकेशन के बारे में भी पता है, जिसमें हम लोग क्रूड सब्सटेंस का ये लेके उसको मेडिसिन में हम यूज करते हैं, ठीक है? अभी मैं सिंपल एक चीज बताता हूँ कि हमें मेडिसिन कैसे सिलेक्ट करनी चाहिए। तो उसके भी अलग अलग तरीके हैं। हम लोग जो कॉलेज में पढ़ते हैं उसमें क्या है, सिलेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, लेकिन उसके लिए हमें काफी मेहनत करनी पड़ती है। पूरी डिटेल्स हमारे पास होनी चाहिए, पूरा नॉलेज हमारे पास होना चाहिए, और दिस इज द आइडियल वे ऑफ सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन। लेकिन हर बार ये पॉसिबल नहीं है। कई बार क्या है, अगर हमारे पास एक केस मिल जाता है जिसमें हमको एक कंप्लीट सिम्टम मिल जाता है इन द फॉर्म ऑफ CLSM, दैट इज कॉजेशन लोकेशन सेंसेशन एंड मोडालिटी, तो ये सिर्फ चार के माध्यम पे भी हम अच्छे से दवाई को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। सिलेक्शन ऑफ रिपेयरिंग बाय फाइंडिंग जीनस, कई बार क्या है कि मेडिसिन जीनस उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको ध्यान में रख के भी हम एक थेराप्यूटिक्स के नॉलेज पे एक जीनस बना के रखा, और अलग अलग कंडीशंस में कम समय के दरमियान भी हम मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करते हैं, और उसमें हम रिजल्ट मिल हमें हम हमको मिल ही जाता है। सो सिलेक्शन ऑफ रेमेडी बाय अप्लाइंग नॉलेज ऑफ थेराप्यूटिक्स, सिलेक्शन ऑफ रेमेडी बाय अप्लाइंग कीनोट्स, तो ये अलग अलग 5-6 तरीके हैं। इसमें से कोई भी तरीका अगर आप यूज करते हो तो आपको कहीं ना कहीं सफलता तो मिलनी ही मिलनी है, ठीक है? नाउ मैं थोड़ा सा ये भी बता दूंगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो उसके फायदे क्या क्या है, तो और उसके डिमेरिट्स भी क्या क्या है। तो इसके अंदर हमें क्या है कि कंप्लीट केस टेकिंग करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा, इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा, प्रॉब्लम्स को डिफाइन करना पड़ेगा, इवेल्यूशन करना पड़ेगा, टोटलिटी को फॉर्म करना पड़ेगा। तो एक ये लंबा प्रोसेस, बट दिस इज द आइडियल प्रोसेस, ठीक है? तो इसका मेरिट्स ये है, लेकिन डीमेरिट्स क्या है कि ये काफी लंबा है। सो शायद अगर आपके पास नंबर ऑफ पेशेंट्स ज्यादा है, जैसे मैं अपनी बात करूंगा तो मैं ज्यादातर एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट में रहता हूँ, लेकिन मेरे आई हैव माय क्लिनिक वेयर आई ओनली प्रैक्टिस फॉर 2 आवर्स एंड प्रोबेबली आई ऑब्जर्व ऑलमोस्ट 15 to 20 पेशेंट इन जस्ट 1 आवर और 1.5 आवर। तो मेरे पास इतना पूरा डिटेल्स देने का टाइम नहीं रहता है, लेकिन उसके शॉर्टकट्स के माध्यम से भी मैं काम करता हूँ जिसमें मुझे सफलता मिलती ही है। तो सिलेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन एकदम आइडियल है, लेकिन वो उसके थोड़े से डिमेरिट्स ये है कि हमारे पास समय की अभावता है, लोगों के पास खुद के पास भी इतना टाइम नहीं होता है आज की भागदौड़ की जिंदगी में। तो दूसरे और क्या क्या तरीके हैं, तो एक दूसरा एक अच्छा काम ये कर सकते हैं कि हम टाइम बचाने में कोई भी प्रॉब्लम होता है उसके चार चीज को हम निकाल ले, मतलब कॉजेशन लोकेशन सेंसेशन मोडालिटी, और शायद इसके माध्यम से भी हम अच्छी मेडिसिन रेमेडी पे हम आ सकते हैं। सिलेक्शन ऑफ रेमेडी अगर हम CLSM से करते हैं तो उसके मेरिट्स ये है कि आपको दिस इज वन ऑफ द ऑल्टरनेटिव वे ऑफ सिलेक्टिंग रेमेडी, मेथड इज टाइम सेविंग, वन सेल रीच टू द सिमिलम बाय डूइंग दिस प्रोसेस। उसका डीमेरिट्स यही है कि मेथड्स कैन नॉट बी अप्लाइड टू मैनेज ऑल काइंड ऑफ केसेस, मेनी ऑफ द टाइम वी मे फेल टू गेट, हर एक में ये चारों चार चीज मिलेगी ऐसी भी जरूरत जरूरी होता नहीं है, तो वो उसका फेल्योर भी रहता है। दूसरा एक मैं बताता हूँ जीनस, जीनस में हम लोग क्या करते हैं, जैसे जीनस एपिडेमिकस में हम लोग जैसे यूज करते हैं, वैसे ही हम कहीं ना कहीं मेडिसिन कहीं ना कहीं रोगों के अंदर भी हम यूज करते हैं, जिसमें होम्योपैथिक मेडिसिन कैन बी सिलेक्टेड बाय फाइंडिंग द जीनस। दिस इज अ स्पेसिफिक प्रैक्टिस, हियर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डायग्नोस केसेस, जैसे लीवर के लिए कौन कौन सी मेडिसिन है, स्प्लीन के लिए कौन कौन सी मेडिसिन है, उसको ये लेके हम उसी का डायरेक्ट यूज कर लेते हैं, ठीक है? सिलेक्शन ऑफ रेमेडी बाय फाइंडिंग जीनस, उसके भी मेरिट्स और डिमेरिट्स है, इट इज वन ऑफ द ऑल्टरनेटिव वे। मेथड इज टाइम सेविंग, कैन बी प्रैक्टिस व्हेन द रेंज ऑफ द मेडिसिन इज कॉम्प्रोमाइज, स्पेशली इन कैंप, कैंप के अंदर अगर जाएंगे हमारे पास इतनी सारी मेडिसिन नहीं होती है, हमें 8 या 10 मेडिसिन से ही हमारा काम करना पड़ता है, तो उस वक्त भी हम इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। लेकिन उसके भी डिमेरिट्स है कि इस मेथड में हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, लेकिन समय को ध्यान में रख के हमें होम्योपैथी को देखना है, होम्योपैथी से हम कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को हेल्प कर सकते हैं। सिलेक्ट ऑफ रेमेडी बाय थेरापेटिक्स, थेरापेटिक्स नॉलेज अगर आपका अच्छा है तो वो भी बहुत जरूरी है प्रैक्टिस में। तो मैं हर बच्चों को बोलता हूँ कि आप थेरापेटिक्स पार्ट एकदम स्ट्रांग रखिए, ताकि जल्द से जल्द आप प्रिस्क्राइब कर पाए, पेशेंट का टाइम बचा सके, समय लोगों के दिमाग में जो एक मिथ्स है
कि भाई होम्योपैथी बहुत स्लो काम करता है, उसमें डॉक्टर्स भी बहुत टाइम लेते हैं मेडिसिन सेलेक्ट करने में, लेकिन अगर थेरापेटिक्स नॉलेज आपका स्ट्रांग है आप तुरंत मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हो डिसीज के और छोटे छोटे थोड़े बहुत सिम्टम्स के आधार पे। तो थेरापेटिक्स नॉलेज के भी मेरिट्स है, उसके भी थोड़े से डीमेरिट्स है। तो आई एम जस्ट शोकेसिंग दिस मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ दिस प्रैक्टिसिंग होम्योपैथी बाय यूजिंग द नॉलेज ऑफ थेरापेटिक्स। उसके बाद मैं जाऊंगा कि प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन हम जब भी करते हैं तो कहीं ना कहीं रिजल्ट आने के लिए हमें इंडिविजुअलाइजेशन करना पड़ता है। सो प्रैक्टिस ऑफ होम्योपैथी फॉर फाइंडिंग रेमेडी वेरी फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, क्योंकि कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि उनके तरीके ऐसे होते हैं कि वो हमें पूरी डिटेल्स ना भी दे। डॉक्टर्स टू डॉक्टर्स, डॉक्टर के पास टाइम होना नहीं होना ये भी एक प्रॉब्लम है। केस टू केस, कई बार केस ऐसे होते हैं कि उसका सिर्फ थेरापेटिक्स डिटेल्स ही है, पेशेंट के पास और कोई चीज नहीं है। कई बार पेशेंट्स के रिलेटिव हमारे पास पूरी फाइल लेके आ जाते हैं, तो केस टू केस भी वो वेरी करता है। टाइम टू टाइम हमें कई बार ऐसा भी होता है कि अगर हम कंसल्टिंग में बैठे हैं बहुत सारा लोड है तो हम पेशेंट को इतना सारा टाइम दे भी नहीं पाते। तो उसके हिसाब से भी हमारा तरीका, इंडिविजुअलाइजेशन मेडिसिन का ढूंढने का तरीका वो भी वेरी हो सकता है। फॉर्मुलरी, फॉर्मुलरी का मतलब ये है कि आपके पास क्या क्या दवाइयां हैं। जरूरी नहीं है कि हमारे पास सबकी सब दवाइयों की रेंज हमारे क्लिनिक में हो। मान लो हमारे क्लिनिक में सिर्फ 150 दवाइयां ही पड़ी है और उसी में से हमें मैनेज करना है, तो हमें इस चीज को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। बट एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, रिजल्ट इज ओनली ऑब्टेन व्हेन द प्रिंसिपल्स ऑफ होम्योपैथी आर फॉलोड आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मतलब कहने का मतलब, मैंने आगे आपको 5-6 तरीके बताए कि जिसकी वजह, जिसके माध्यम से आप होम्योपैथिक दवाई को ढूंढ सकते हो, ठीक है। पर आपको रिजल्ट तभी मिलेगा जब आप प्रिंसिपल्स को फॉलो करोगे आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। दूसरा, इसका एक मैं ये भी बताऊंगा, अगर रिजल्ट मिल भी रहा है तो हम कहीं ना कहीं होम्योपैथी के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते ही है। सो डिजीज इज द डिरेंजमेंट ऑफ द वाइटल फोर्स, क्योर कैन ओनली बी ऑब्टेन बाई डिरेंज वाइटल फोर्स टू बी रीअरेंज, एंड रीअरेंजमेंट ऑफ वाइटल फोर्स कैन बी एंश्योर्ड बाई एडमिनिस्ट्रिंग परफेक्ट सिमिलिमम विद द परफेक्ट पोटेंसी। ये एक थियोरिटिकल है, बट अगर हम एडमिनिस्ट्रिंग पार्शियल सिमिलिमम मेडिसिन भी देते हैं तो कहीं ना कहीं रिजल्ट मिलने ही वाला है। काउंसिलिंग के माध्यम से भी हम पेशेंट्स को डेफिनेटली बहुत अच्छी हेल्प देते हैं, और कहीं ना कहीं कई बार कहीं रोगों के अंदर मेंटेनिंग कॉजेज रहती है जो कि रोग के लिए जरूरी है, रोग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, तो वो अगर हम निकाल दे तो भी हम पेशेंट्स को हेल्प कर सकते हैं। सो ऑल ऑफ अस डू ऑल द पॉसिबल एफर्ट्स टू अचीव द सक्सेस इन आवर क्लिनिकल प्रैक्टिस। लेकिन जनरल कंडीशन में हमें होम्योपैथी को कैसे यूज करना है उसके लिए मैं थोड़े से टिप्स भी आज आपको दूंगा। थोड़े केसेस भी मेरे पास है, वो केसेस को भी मैं आपके सामने हाईलाइट करूंगा। पहले मैं एक केस, पहला केस जो मैं लेके आता हूँ, आपकी रूटीन प्रैक्टिस के अंदर हमारे पास एक्ने पिंपल्स के बहुत पेशेंट्स आते हैं, ठीक है। तो मैं एक सिंपल एक केस आपके सामने रिप्रेजेंट करता हूँ। दिस इज द केस, मेल ऑफ 17 ईयर सफरिंग फ्रॉम एक्ने वल्गारिस। उसको ये जो प्रॉब्लम था दैट वॉज ऑलमोस्ट अप 2.5 ईयर्स। द एक्ने वर पिंक, ब्लॉच्ड, पेनफुल एंड इन क्लस्टर्स विद पस फील्ड स्पॉट्स लोकेटेड मोर ऑन चीक्स एंड वेर लीविंग द स्कार्स अराउंड इट। ही हैड टेकन एलोपैथिक ट्रीटमेंट फॉर द सेम बट डिड नॉट रिस्पॉन्डेड एंड देन शिफ्टेड टू होम्योपैथी। अभी जब इस तरह का पेशेंट आता है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। फिजिकली द बॉय वॉज लीन थिन डेलिकेट, वॉज पर्सपायरिंग एक्सेसिवली विच वॉज फैटिड। जब क्लिनिक में आया तो उसके पसीने की स्मेल भी हमें पता चल रही थी, इतना उसका फैटिड ये था। बिलोंग्स टू प्योर वेजिटेरियन फैमिली, एवर्जन टू मीट, ही लव्स ईटिंग आइसक्रीम बट वॉज सेंसिटिव टू कोल्ड। By nature, he was shy, timid, couldn't expose himself. He was found to be obstinate, but having lack of self-confidence. मैं थोड़े से उसके एक्ने के पिक्चर्स भी मैंने लिए हुए जो आपके सामने मैं शेयर करता हूँ। यू कैन सी, जब फर्स्ट टाइम ही अप्रोच टू माई क्लिनिक एंड ही फील सो एम्बेरेस्ड कि वो दिखाने से हाथ भी ऐसा रख के आ रहा था, कहीं ना कहीं मुंह पे टॉवल भी बांध के, मतलब हैंकी भी उसको कवर करके रखता था। फिर जब व्हेन व्हेन आई टूक द टोटालिटी, तो टोटालिटी में मैंने इतने सिम्टम्स को कंसिडरेशन में लिया, फेस इरप्शंस एक्ने, फेस इरप्शंस चीक्स, माइंड टिमिडिटी, माइंड ऑब्स्टिनेट हेडस्ट्रॉन्ग, माइंड कॉन्फिडेंस वन टू सेल्फ कॉन्फिडेंस, जनरल फूड एंड ड्रिंक्स मीट एवर्जन, जनरल फूड एंड ड्रिंक्स आइसक्रीम डिजायर, परस्पिरेशन प्रोफ्यूज फैटिड,
यहाँ पे कहीं ना कहीं मैंने लोकल सिम्टम्स को भी प्राधान्य दिया है। आइडियली अगर हम होम्योपैथी के तरह से जाएंगे तो हम मेंटल सिम्टम्स को ही इम्पोर्टेंस देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रूटीन प्रैक्टिस में हम ये चूक भी सकते हैं। लेकिन अगर हम अच्छे तरीके से अगर प्रैक्टिस करने वाले हैं तो हमें रिजल्ट मिलता ही है। इस सिम्टम्स को लेने के बाद हमारे पास जो मेडिसिन आ रही थी उसमें सिलिसिया वॉज कम टू बी द फर्स्ट चॉइस ऑफ मेडिसिन, तो हमने थोड़ा सा सिलिसिया का भी रिव्यू किया। इफ यू सी द प्रॉपर्टी ऑफ सिलिसिया, अगर उसकी जनरलिटी बोरिक मेडिसिन के माध्यम से अगर देखते हैं तो इम्परफेक्ट एसिमिलेशन एंड कॉन्सिक्वेंट इफेक्ट ऑफ न्यूट्रिशन, सिलिसिया हैज टेंडेंसी टू रिमूव द फॉरिन पार्टिकल्स, सिलिका कैन स्टिम्युलेट द ऑर्गेनिज्म टू रीअब्सॉर्ब फाइब्रोटिक कंडीशंस एंड स्कार टिश्यू और किलोइड ग्रोथ, रिपन्स एब्सेस सिंस इट प्रमोट सपोरेशन, सिलिसिया पेशेंट इज कोल्ड चिली हग्स दी फायर वॉन्ट्स प्लेंटी वॉर्म क्लोदिंग हेट्स ड्राफ्ट हैंड्स एंड फीट कोल्ड वर्स इन विंटर ग्रेट सेंसिटिव टू टेकिंग कोल्ड इनटॉलरेंस ऑफ अल्कोहलिक स्टिमुलेंस एलिमेंट्स अटेंडेड विद पस फॉर्मेशन। सो दीज आर दी जनरलिटीज व्हाट वी हैव सीन इन सिंपल बोरिक मटर मेडिका। नाइन इफ यू सी द माइंड चैप्टर ऑफ द सेम, यील्डिंग फेंट हार्टेड एंग्जियस नर्वस एंड एक्साइटेड सेंसिटिव टू ऑल इंप्रेशंस, स्किन अगर देखेंगे फेलॉन्स एब्सेस बॉयल्स ओल्ड फिस्टुलस अल्सर्स डेडिकेट पेल वैक्सी स्किन रोज कलर ब्लॉचिस स्कार सडन बिकम पेनफुल पस ऑफेंसिव प्रमोट्स एक्सपल्सन ऑफ फॉरिन बॉडी एवरी लिटल इंजरी सपोरेट्स, दिस ऑल सिम्टम्स वी नो दिस ऑल आर प्रेजेंट इन द मटर मेडिका, बट वी आर जस्ट अप्लाइंग दिस सिम्टम्स इन टू आर क्लिनिकल कंडीशन। सो आफ्टर कंसिडरिंग दिस आई कम टू द इंडिकेशन ऑफ सिलिशिया पेशेंट्स। मुझे ऐसा लगा जनरल प्रैक्टिस के हिसाब से कि ही शुड बी गिवन अ मीडियम पोटेंसी विद द रिपीटेंसी, सो आई गिव सिलेशिया 200 बीडी। फॉलोअप 2 वीक के बाद मैंने देखा देर वॉज नो इम्प्रूवमेंट, बट आई स्टिल कंटिन्यू क्योंकि मुझे जब इतना क्रोनिक पेशेंट्स का प्रॉब्लम है, 2-2.5 साल से प्रॉब्लम है, हम 15 दिन में जादू हो जाएगा ऐसा तो होना नहीं था, सो वी हैव टू वेट। सो आई कंटिन्यू, थोड़ी सी मैंने भी पेशेंस रखी एंड इम्प्रूवमेंट देखना शुरू हो गया। सो दिस वॉज द कंडीशन। 10 to 14 वीक्स के बाद अगर आप देखेंगे तो देर वॉज नॉट अ स्कार एट ऑल, यू कैन सी। सो दिस इज दी ब्यूटी, अगर यही चीज अगर कोई कॉस्मेटिक कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास गया होता तो शायद इस पेशेंट का एक्सपेंसिस कम से कम 1 लाख से 1.5 लाख के आसपास का हुआ होगा और हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन से शायद उसका काम 1000-2000 रुपए में हो गया होगा, वो भी 3 महीने की ट्रीटमेंट के साथ। सो व्हाट आई वांट टू कन्वे इज होम्योपैथी इज गिविंग अ वंडरफुल रिजल्ट, राइट। मैं थोड़ा सा मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं ज्यादा कम समय में कैसे प्रैक्टिस कर सकते इसके लिए ज्यादातर मैं रिलाई करता हूँ फाटक रेपेट्री पे और बोरिक रेपेट्री पे। तो थोड़ा सा मैं एक्ने पिंपल्स का ओवरव्यू आपको देना चाहता हूँ इस वेबिनार के माध्यम से, कि अगर बच्चे रेगुलर ये बुक्स भी पढ़ लेते हैं तो उनको काफी चीज पता चल जाएगी। अगर हम एक्ने पिंपल्स की डेफिनेशन देखेंगे तो इट्स अ लॉन्ग टर्म स्किन डिजीज दैट अकर्स व्हेन हेयर फॉलिकल्स बिकम्स क्लॉग्ड विद डेड स्किन सेल्स एंड ऑयल फ्रॉम द स्किन। सो कंसिडरिंग दिस पैथोफिजियोलॉजी फर्स्ट मेडिसिन टू बी थॉट इज सिलिसिया। जनरली क्या होता है कि सीबेसियस ग्लैंड में से जो उसका ओपनिंग होता है वो ब्लॉक हो जाना, सिलिसिया एज अ प्रॉपर्टी टू रिमूव द फॉरेन बॉडी। सो अगर वो ब्लॉक हो गया है वो उसको सिलिसिया से अगर निकाल देते हैं तो भी वो अच्छा रिजल्ट देता है। तो फर्स्ट चॉइस ऑफ मेडिसिन मैंने मेरी प्रैक्टिस में देखी है एक्ने में, दैट इज फ्रॉम सिलिसिया। फिर भी हम अगर देखेंगे डिफरेंट रूब्रिक्स, ये मैंने रूब्रिक्स कलेक्ट किए, देर आर सर्टेन रूब्रिक्स रिलेटेड टू एक्ने, दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन बोरिक ऑल्सो प्रेजेंट इन फाटक। तो मैंने क्या किया है, कंपाइलेशन किया है कि अगर एक्ने विथ अनसाइटी स्कार है, स्कार रिमेनिंग आफ्टर, तो कार्बो एनिमालिस है या कालीब्रोम है, इस मेडिसिन का प्रयोग करना चाहिए। सेम वे अगर एक्ने अगर ब्लैक है तो यू थिंक ऑफ आर्सेनिक या एस्टेरिया रूबेंस। अगर आप देखते हैं कि एक्ने, कई बार आप देखेंगे एक्ने काफी हार्ड होते हैं, हियर यू थिंक ऑफ आर्स आयरन। अगर आप देखते हैं कि एक्ने समर में ही एग्रेवेट होता है, समर में पसीना ज्यादा होता है, चिकास ज्यादा होती है, तो उसमें क्या है, ये जो स्किन के सेबेसियस ग्लैंड के जो ओपनिंग्स होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, दैट रिजल्ट्स इनटू अ फॉर्मेशन ऑफ एक्ने, थिंक ऑफ बोविस्टा। अगर एक्ने
स्मेल्स स्मॉल एब्सेस है, एब्सेस के जैसे लग रहे हैं, तो यू कैन थिंक ऑफ हेपरसल्प एंड सिलिशिया। एक्ने ऑन नोज, आर्सेनिक। एक्ने सोर, आर्निका। एक्ने सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, आर्निका। मैंने रेफरेंस भी बाद में बाजू में लिखा है इन द ब्रैकेट कि अगर ये फाटक मेडिसिन रेपर्ट्री का है रेफरेंस या बोरिक रेपर्ट्री का रेफरेंस है। एक्ने फ्रॉम चीज, नक्स ओमिका। आज के माध्यम में यंग जनरेशन आप देखेंगे मैक्सिमम दे आर कंज्यूमिंग चीज, उनको कहीं भी कुछ भी खाना है, पिज्जा खाना है विथ एक्स्ट्रा चीज, ये वड़ा पाव खाना है विथ चीज, यहाँ तक कि सेव उसड़ में भी दे प्रीफर चीज। सो वन ऑफ द इंडिकेटेड मेडिसिन फॉर एक्ने ड्यू टू चीज, थिंक ऑफ नक्सोमिका। एक्ने फ्रॉम कॉस्मेटिक्स, आजकल के माध्यम में कॉस्मेटिक्स भी बहुत यूज होता है, थिंक ऑफ बोविस्टा। एक्ने फ्रॉम गैस्ट्रिक डिरेंजमेंट, एंडिम क्रूड, सेमिसिबुगा, लाइकोपोडियम, नक्सोमिका, पल्सेटिला। एक्ने इन ड्रंकर्ड्स, नक्सोमिका। इंड्यूरेटेड एक्नेस, यू कैन थिंक ऑफ यूजेनिया। पेनफुल एक्ने में भी यूजेनिया इज गिविंग वंडरफुल रिजल्ट्स। एक्ने इन फ्लैशी यंग पीपल विथ कोर्स हैबिट्स, पस्टुल्स ऑन फेस, चेस्ट, शोल्डर्स, थिंक ऑफ कालीब्रोम। सिर्फ फेस पे है, आई मीन टू से फेस पे भी है और बॉडी के पार्ट पे भी है, बैक पे भी है, थिंक ऑफ कालीब्रोम। एक्ने एग्रावेटेड बाय बिफोर मेंसिस, थिंक ऑफ ग्रेफाइटिस, मैग्नेशियम यूरेटिकम, सोरायनम, सेपिया। एक्ने एग्रावेटेड आफ्टर मेंसिस, दैट इज द मेडोराइनम। एक्ने इन यंग वुमेन, वन ऑफ द मेडिसिन इज साइक्लामेन। एक्ने विद प्रेगनेंसी, सारसापरिला एंड सेपिया। एक्ने इन एनीमिक गर्ल्स एट प्यूबर्टी विद वर्टेक्स हेडेक, फ्लूटुलेंस, डिस्पेप्सिया, बैटर बाइटिंग, थिंक ऑफ कैल्केरिया फोस। सो दिस, ये सभी लिटरेचर सबने पढ़ा है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको क्या कहना चाहता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस। तो मेरा एक्सपीरियंस, अगर मेरे एक्सपीरियंस की बात करते हो, तो मैंने एक्ने के केसेस में सबसे ज्यादा बेनिफिट लिया है तो सिलिसिया से, दूसरा हेपार्सल, तीसरा सारसापरिला, कालीब्रोम, कार्बो एनिमलिस। सो दीज आर दी मोस्ट इंडिकेटेड मेडिसिन आई कुड ऑब्जर्व इन माई प्रैक्टिस। मैंने बाजू में आपको उसकी पोटेंसी, सॉरी, जनरली उसमें कौन सी पोटेंसी मैं यूज करता हूँ वो पोटेंसी भी मैंने लिख के रखी है। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ, जनरली आई प्रिस्क्राइब मेडिसिन इन द फॉर्म ऑफ बीडी, मतलब ट्वाइस इन अ डे, ठीक है। तो अगर आपको, मैंने ऊपर के हिसाब से अगर आप चेक करते हो और उसके हिसाब से मेडिसिन आपको इंडिकेट आती है और एक्ने के केसेस मिलते हैं, आप सिंपली इससे शुरुआत करोगे, आई विल गारंटी यू यू विल हैव द गुड आउटकम। मैं थोड़ा और एक आगे जाता हूं, हम दूसरे केस लेते हैं, केसेस ऑफ एलोपेसिया। आई एम जस्ट शेयरिंग यू वन अनदर केस, एसडीएस फीमेल 17 इयर्स ओल्ड सफरिंग फ्रॉम राउंड पैचेस ऑफ हेयर लॉस सिंस 3 मंथ्स। द 4 to 6 पैचेस ऑफ हेयर लॉस वेयर देयर, वन ऑफ द लार्ज पैच वॉज शोइंग प्रेजेंस ऑफ वुलन व्हाइट हेयर एट द मार्जिन। सी हैड अ हिस्ट्री ऑफ लाइस इन्फेस्टेशंस ऑफ एंड ऑन, हेयर फॉल्स ऑन कॉम्बिंग ड्यू टू हेयर मैटिंग। फिजिकली द गर्ल्स वॉज लीन, थीन एंड डेलिकेट, वॉज परस्पायरिंग एक्सेसिवली। बहुत कम सिम्टम्स मैंने लिए हैं, लेकिन इस कम इतने सिम्टम्स पे आई कुड फाइंड आउट द मेडिसिन। हेयर फॉल्स इन पैचेस, बाल्ड स्पॉट्स कवर्ड विद व्हाइट वूली हेयर, लाइस, हेयर टेंगल्स। अगर आप ये 4 सिम्टम्स आप सिंपल बोरिक या फाटक में भी जाओगे तो ये उभर के विंका माइनोर आ जाती है, लेकिन फिर भी मैंने रेपर्ट्री में भी देखा, रेपर्ट्री में भी आई कुड फाइंड दिस वाज द मोस्ट इरप्टिंग मेडिसिन आउट ऑफ द ऑल। सो मैंने सिंपल आई प्रिस्क्राइब विंका माइनोरा, विंका माइनोरा मैंने 30 पोटेंसी में ही यूज की थी, मेरे पास 30 पोटेंसी ही थी। अ वेरी गुड रिस्पॉन्स वॉज सीन इन फर्स्ट 2 वीक्स ओनली, 2 महीने के अंदर तो पूरे स्काल्प में जितने भी पैचेस थे ऑल पैचेस वेर क्लियर। एक बार पेशेंट हमसे ठीक होता है, फिर उसको कहीं ना कहीं कुछ भी प्रॉब्लम होता है वो हमें ढूंढ के ही आता है। लेटर ऑन द सेम पेशेंट केम टू मी फॉर हर मैनेजमेंट ऑफ एक्ने। सो सी केम विद द कंप्लेन ऑफ एक्ने विच वॉज मैनेज बाय सारसा परिला, जस्ट अ मिनट, विच सोन गुड रिजल्ट। सारसा परिला मेडिसिन मैंने पहले दी, उससे उसको अच्छा रहता था लेकिन पूरी तरह से नहीं जा रहा था।
लेकिन बाद में जब मैंने सिलिसिया दिया उसके बाद उसका एक्ने का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। तो लेट मी गिव यू सम हिंट्स अबाउट दी हेयर कंप्लेंट्स। हमारे पास हेयर फॉलिंग के बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, अगर अगर ध्यान से अगर आप नोट करेंगे तो हेयर फॉलिंग क्यों होता है, तो उसके 5 या 6 रीजन मेन है। अगर न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम अगर उसको है तो भी हेयर फॉलिंग देखने को मिलेगा। अगर उसको अच्छा सा खाना पीना ठीक से नहीं मिल रहा है, डेफिशिएंसी हो रही है, नेचुरली इट विल लीड टू हेयर फॉलिंग। अगर उसको कोई डिसीज हुआ जिसमें उसका बॉडी फ्लूड लॉस हो रहा है, फीवर है, फीवर में भी हीट की वजह से बॉडी फ्लूड लॉस हो रहा है, तो जब भी इस तरह का प्रॉब्लम अगर रहता है तो उसमें भी हेयर फॉलिंग देखने को मिलता है। आजकल लोग तरह तरह के केमिकल्स लगाते हैं, कलर्स लगाते हैं, सो दैट केमिकल्स, बैड इफेक्ट्स ऑफ केमिकल्स, उसकी वजह से भी हेयर फॉलिंग देखने को मिलता है। आजकल लोग अलग अलग कलर शैम्पूज और सोप्स भी यूज करते हैं, दैट ऑल्सो लीड्स टू हेयर फॉलिंग। समटाइम्स स्ट्रेस, दैट इज ऑल्सो प्लेइंग अ रोल। और कई बार क्या है, खास करके स्त्रियों में, फीमेल्स में, हॉर्मोन्स इट ऑल्सो प्लेस अ इंपॉर्टेंट रोल इन हेयर फॉलिंग। लेकिन हेयर फॉलिंग या हेयर रिलेटेड कोई भी पैथोलॉजीज है, हमने थोड़ा सा उसका फाटक मेटरी और मेडिमेक का फाटक रेपेटरी और बोरिक रेपेटरी से कलेक्शन किया है ना, तो आप उसको बहुत छोटे से लिटरेचर के साथ वो सभी केसेस को आप मैनेज कर सकते हो। मैं आपको थोड़े से रूब्रिक्स, थोड़े से ये हिंट्स दे रहा हूँ। सो हेयर फॉल इन हैंडफुल ऑफ बंचेस, आई कुड फाइंड ओनली 4 मेडिसिन्स, दैट इज कार्बोवेज, मेजेरियम, फॉस्फोरस, सिफिलिनम एंड थेलियम। हेयर फॉल्स आफ्टर सीवियर इलनेस, कार्बोवेज, मैंसिनेला, थेलियम। ये फाटक रेपेटरी का रेफरेंस मैं दिखा रहा हूँ। हेयर फॉलिंग रैपिडली, थेलियम। हेयर फॉलिंग ग्रीप फ्रॉम फॉस्फोरिक एसिड। हेयर फॉलिंग इन चिल्ड्रन, नेट्रम म्यूर। हेयर फॉलिंग ड्यूरिंग लैक्टेशन, नेट्रम म्यूर। हेयर फॉलिंग एट क्लाइमेक्स, सेपिया। हेयर फॉलिंग प्रेगनेंसी ड्यूरिंग लैकेसिस। हेयर फॉलिंग फ्रॉम टम्पल्स, कालिका, नेट्रम म्यूर। हेयर फॉलिंग फ्रॉम आफ्टर चेंजिस कलर, काली आयोड। हेयर फॉलिंग फ्रॉम इंजरी, हाइपोरिकम। हेयर फॉलिंग फ्रॉम ऑफेंसिव स्वेट, सल्फर। हेयर फॉलिंग फ्रॉम रिप्लेस बाय ग्रे हेयर, विंका माइनोरा। प्री मेच्योर बाल्ड, सिलिसिया। फॉलिंग इन स्पॉट्स, नेट्रम म्यूर फॉस्फरस। बाल्ड स्पॉट्स कवर्ड विथ वूली हेयर, विंका माइनोरा। सो दीज आर द मेडिसिन। लेकिन आपने गौर से देखेंगे तो पहले चार रूबरी के अंदर आप पहले चार ये देखिए, मैं आपको फिर से ले जा रहा हूं। आई कैन शो द मेडिसिन थेलियम, आई कैन शो द मेडिसिन थेलियम, आई कैन शो द मेडिसिन थेलियम। बहुत सारे लोग, शायद मैंने अपने ग्रेजुएट के दरमियान थेलियम मेडिसिन कभी नहीं पढ़ी थी, लेकिन ये सब रूब्रिक, ये सब सिम्टम्स देखने के बाद आई स्टार्टेड यूजिंग थेलियम इन दी कंप्लेन्स ऑफ हेयर्स एंड आई फाउंड वंडरफुल रिजल्ट। और दूसरी एक मेडिसिन है कार्बोवेज। सो मैं अपना अगर एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आपके पास, तो ये सब लिटरेचर सबके पास है, लेकिन जो मैंने क्लिनिकल प्रैक्टिस में जो ऑब्जर्व किया है, जो मैं आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूँ इस वेबिनार में, सो दैट इज कार्बोवेज इन 200 पोटेंसी, थेलियम इन 30 पोटेंसी, फॉस्फोरस इन 200 पोटेंसी, नेट्रम्यूर इन 200 पोटेंसी। सो प्रोबेबली दीज आर द मोस्ट कॉमन मेडिसिन आई यूज फॉर एनी काइंड ऑफ हेयर प्रॉब्लम्स, एंड आई रिपीटेडली एसर्टेन द गुड रिजल्ट। मैं थोड़ा सा और एक आगे जाता हूँ, थोड़ा और प्रॉब्लम्स की तरफ, कॉन्स, कैलोसिटीज। मैं क्यों ये सब केसेस लाता हूँ, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा पेशेंट्स ये सब कंप्लेंट के लिए होम्योपैथी में ही आते हैं, तो क्यों ना हम उसको बराबर यूज कर ले, और एक बार एक पेशेंट अपना ठीक होता है, वो पेशेंट फिर उसकी बाकी की कंप्लेंट के लिए भी आपके पास ही आने वाला है। तो लेट मी शेयर यू वन अनदर केस ऑफ रिलेटेड टू कॉर्न्स। KRR, फीमेल, 19 ईयर्स ओल्ड, सफरिंग फ्रॉम कॉर्न्स ऑन हर लेफ्ट सोल सिंस 2.5 ईयर्स। शी हैड रिपीटेडली अप्लाइड द कॉर्न कैप्स बट नॉट फाउंड एनी काइंड ऑफ बेनिफिट। हर फादर वॉज मैन्युफैक्चरर ऑफ हॉट स्पंज पेड्स एंड वेरियस फिजियोथेरेपी डिवाइसेस। मतलब मेडिकल ग्राउंड से उसके फादर बिलोंग कर रहे थे, सबको जा जाके दिखा के आया था। शी वॉज ओबेस एंड फेयर इन कॉम्प्लेक्शन। देर वर क्लस्टर्स ऑफ कॉर्न्स विद येलोइश ह्यू अराउंड इट। कॉर्न्स वेर पेनफुल एंड सॉफ्ट। यू कैन सी ये सब जगह पे कॉर्न्स थे एक साथ इकट्ठे, और दैट वॉज ऑलमोस्ट एट द प्रेशर पॉइंट, सो शी वॉज अनेबल टू वॉक।
On considering the softness of corn and tearing type of pain, I prescribe Silica 200 4 pills BD for 2 weeks. After 2 weeks, when she approached, the condition was almost similar. Silica हर बार रिजल्ट देगी ऐसा तो होगा नहीं, मेरी तो चॉइस की मेडिसिन थी लेकिन रिजल्ट नहीं मिला. However, there was a little improvement in pain, so continued the medicine. लेकिन मुझे उसके बाद भी कुछ ज्यादा फायदा नहीं हुआ. Then I again search. And what I observe is remarkable thing is yellowish hue. And what cons with yellowish hue? There was only one medicine, ferrum picrata. So I prescribe ferrum picrata, and see it gives a wonderful result. So मैं थोड़ा सा आपको कॉन्स के बारे में भी थोड़ी सी डिटेल्स दूंगा जो बोरिक और फटक मटरे मेडिका में से मैंने कंपाइल करके रखी हुई है. मैं बहुत लंबी लंबी चीजों पे नहीं जाता हूँ, थोड़े से टाइम में कैसे पेशेंट को हम हेल्प कर पाए ऐसा सोचता हूँ, इसलिए छोटी छोटी बुकी यूज करता हूँ. सो एज पर डेफिनेशन इट इज अ स्मॉल इन्फ्लेमेटरी फोकस अंडर द सोल्स. कंसिडरिंग दिस पैथोफिजियोलॉजी फर्स्ट मेडिसिन टू बी थॉट इज थूजा. कॉन्स बर्निंग अर्जेंटम मेटालिकम इग्नेशिया रेनिनक्यूलस एंड सेपियम. कॉन्स फ्रॉम प्रेशर एंटीम क्रूड. कॉन्स पेनफुल इग्नेशिया लाइकोपोडियम सल्फर. कॉन्स सॉफ्ट थिंक ऑफ सिलिसिया. कॉन्स स्टिंगिंग दैर इज एल्यूमिना ब्रायनिया कैल्केरिया कार्ब कैल्केरिया सल्फ नेट्रम कार्ब नेट्रम म्यू रस्टॉक्स सल्फर. कॉन्स टीयरिंग पेन थिंक ऑफ लाइकोपोडियम सिलिसिया सल्फर. कॉन्स येलो फेरम पिक्राटा दैट इज फ्रॉम द बोरिक रेफरेंस. सो वॉट आई वॉन्ट टू कन्वे इज मैंने अपनी प्रैक्टिस में कॉन्स में कौन कौन सी मेडिसिन में सबसे ज्यादा रिजल्ट लिया है. तो मैं फुल क्रेडिट दूंगा थूजा को. थूजा इज वंडरफुल मेडिसिन फॉर द कॉन्स. एंटीम क्रूड इज ऑल्सो गिविंग वंडरफुल रिजल्ट. सिलिसिया ऑल्सो गिविंग वंडरफुल रिजल्ट इन कंडीशन ऑफ द कॉन्स. सेपिया फीमेल्स के अंदर अगर कॉन्स होता है, अगर ये तीन मेडिसिन में मुझे रिजल्ट नहीं मिलता है, आई प्रीफर सेपिया एज अ इंटरकरेंट मेडिसिन. एंड इफ द सेम कंडीशन इज देयर एंड इफ द पेशेंट इज मेल, आई प्रीफर लाइकोपोडियम एज इंटरकरेंट मेडिसिन. एंड आई नोटेड अ वेरी गुड रिजल्ट बाई एडमिनिस्ट्रिंग दिस टू मेडिसिन एज पर द रिक्वायरमेंट. फेरम पिक्रेटा का मैंने आपको बताया, उसके बाद मैंने फेरम पिक्रेटा काफी पेशेंट्स में दिया है कॉन्स वाले, और फेरम पिक्रेटा इज ऑल्सो गिविंग गुड रिजल्ट. फेरम पिक्रेटा वैसे देखने जाए तो प्रोस्टेट के लिए भी काफी अच्छी प्रमाणित हुई है. आई एम ऑल्सो शेयरिंग यू वन केस ऑफ प्लांटर वार्ट्स. वीपीएस मेल 19 ईयर्स ओल्ड सफरिंग फ्रॉम बीक वॉट, इट्स एक्चुअली अ वॉट on his right sole since 1.5 year. It was very irregular in appearance. What was painful? There was difficulty in walking due to pain. He was B.Tech student studying in Jaipur. Actually brought by his brother. Mr. Ranjay Kumar is a principal of one school. Moderately obese, short and little dark in complexion. No other symptoms received. पेशेंट वॉज अनेबल टू वॉक. अभी जब पेशेंट वेन पेशेंट केम टू मी, उसके ब्रदर के साथ लेके आया था. ही हैज टू कैच द ट्रेन, उसको जयपुर जाना था. मेरे पास लेके आया, सर जो करना है कर दो आपके पास, उसको तो अभी निकलना है, जयपुर जाएगा. फिर जब जयपुर जाएगा उसको कोई वहां पे उसकी जहां कॉलेज है वहां पे उसको शायद कुरियर से मेडिसिन जाएगी भी नहीं, आप अभी से मेडिसिन दे दीजिए, जो देना है दे दो, इतना है. और मैं बोला कुछ पूछ लो सर, ट्रेन जा रही है. दिस वाज द आंसर फ्रॉम देम कि सर हमें तुरंत निकलना पड़ेगा, अगर ये मिस कर दूंगा तो मैं पहुंच नहीं पाऊंगा. ठीक है. विद दिस वेरी लेस डिटेल ऑफ हिस्ट्री इट वाज डिफिकल्ट टू फॉर्म द टोटालिटी. सो आई सिंपली प्रिस्क्राइब थूजा 30 बीडी. 8 जनवरी 2019 को मैंने थूजा 30 उसको दे दिया. एज पेशेंट वॉज ऑन द वे टू जयपुर, फॉलो अप वॉज डिफिकल्ट. सो आई गिव मेडिसिन फॉर 1 month. There was a follow-up after 1 month. On 23rd of February 2019, when his brother came for his routine medicine, I just inquired about him. अभी उस पेशेंट का नंबर तो मेरे पास नहीं था, वो तो मैं तो सिर्फ रंजय कुमार जी को जानता था, उनका कजिन ब्रदर था. तो जब रंजय कुमार जी मेरे पास आए दवाई लेने, तब मैंने पूछा यार उस वरुण का क्या हुआ.
He replied, "Your medicine worked wonderfully." He immediately called his brother to send photograph. अभी कुछ नहीं किया था, सिर्फ 2 मिनट की मुलाकात. And that entire plantar wart was completely resolved by simple Thuja 30 BD. So this is the beauty of homeopathy. And उसके बाद शायद इस फैमिली ने मुझे कम से कम 500 पेशेंट रिफर किए होंगे. सो दिस इज द बेनिफिट. जितना पेशेंट के माध्यम से आपका जो रेफरेंस होगा ना, दैट वाज अ कॉन्क्रीट रेफरेंस. आप बड़े बड़े बोर्ड्स लगाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, उसमें इतना ज्यादा पेशेंट का ये नहीं होगा. हमारी ब्रांच एक सिर्फ ऐसी है जिसमें माउथ टू माउथ पब्लिसिटी का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आता है. ठीक है. दूसरा एक मैं केस शेयर करता हूँ. वायु भी फीमेल 9 ईयर्स ओल्ड सफरिंग फ्रॉम अ वार्ट ऑन द राइट थंब सिंस 1 ईयर. अप्लाइड मेनी ऑइंटमेंट्स बट नॉट रिस्पॉन्डेड. इट वॉज हार्ड इन कंसिस्टेंसी विद इचिंग. Little painful, causing her difficulty in writing. The girl was lean, thin, with little fair in complexion, but by nature she was introverted and shy. She found difficulty to mix with others, though she came from for wards. But on inquiry, come to know that she was also having a problem of leucorrhea, which was thin and white in character. This was the condition of the ward. Wards के अंदर एक प्रॉब्लम हमें ये भी देखने को मिलता है कि बहुत सारे पेशेंट्स अपने आप खुद थूजा खा के ही आते हैं. जब थूजा खाने के बाद उनको जब ठीक नहीं होता है तब वो हमारे पास आते हैं. तो व्हेन आई मेक अ टोटालिटी, तो थोड़ा सा मैंने हर एक चीज को लिया. वॉट्स ऑन फिंगर, वॉट विथ इचिंग था, सो दैट पार्ट वॉज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. ल्यूकोरिया इन चिल्ड्रन, ल्यूकोरिया थीन, द मेडिसिन which come out was the sepia. So I simply prescribed sepia 30 BD for 10 days. 1st January ko patient ko medicine di. Generally I give medicine for 2 weeks, but as there was a Uttarayan, after 2 weeks I give medicine for 10 days. Hamare yahan 14-15 tarikh Gujarat ke andar Uttarayan ka bahut importance hota hai. 2 din sab band. इसलिए 2 वीक की मेडिसिन भी देता हूं, पर उस वक्त मैंने उसको 10 दिन में ही बुला लिया था. When she approached on 11 January, the ward was cleared. She had also improvement in her problem of leukorrhea. Parents were so happy with homeopathy. Now entire family is coming for homeopathic medication. सिर्फ 10 दिन में दूसरा फायदा क्या हुआ? यही फैमिली अब अमेरिका चला गया है. Now they are starting referring patient from America. So this is the benefit of homeopathy and mouth-to-mouth publicity. If you see certain few keynote points for warts, let me share with you. If you find a warts with bleeding, think of causticum. One another medicine is cinnaberis, but I have not much of the experience of cinnaberis. Warts bleeds easily, jagged large, again causticum and nitric acid. Warts cracked with furfuresis areola, think of lycopodium. Warts flat, berberis, causticum, dulcamara, mercaryoid phloem, ruta. When there is a sessile kind of warts, जो warts ज्यादा निकले हुए नहीं है, flat warts जो रहते हैं, तो उसमें what I observed is dulcamara is giving wonderful results. Warts granular, argentum nitricum. Warts hard, antimicrobial, calcarea, causticum, sepia, silicea, sulfur. Warts horny, think of antimicrobial and silicea. Warts horny, broad, Rustox is also one of the medicine. Warts itching, calicarb. Warts large, seedy, think of thuja. Warts large, soft, max self, dulcamara. Warts lipoid as if no ferrum picrata. Warts moist, itching, flat, broad, thuja. Warts moist, oozing, nitric acid. Warts painful, hard, stiff, shining, silicea. Warts painful, sticking, nitric acid, staphy, thuja. Warts pedunculated, thuja. Warts pedunculated again, causticum, lycopodium, nitric acids,
सेबल, स्टेफी, थूजा, बोरिक. आई हैव ऑल्सो कोटेड द रेफरेंस ऑफ द बुक्स. वॉट्स रेड, कैल्केरियन एट्रम सेल्फ थूजा. वॉट्स शूटिंग, बोविस्टा. वॉट्स स्मूथ, कैल्केरियन रूटा. वॉट्स अल्सरेटिंग, कॉस्टिकम हेलेबोरस. वॉट्स अल्सर बिकम्स, कैल्केरिया. वॉट्स ऑन पेनिस, सिनाबिस, नाइट्रिक एसिड, सोराइनम. सी, वन पेशेंट विथ मल्टीपल वॉट्स ऑन पेनिस अप्रोच्ड मी. वो थोड़े से प्राइवेट पार्ट के फोटो का प्रॉब्लम था, सो दैट इज व्हाई ही वाज नॉट कंसेंटेड मी टू गिव द फोटोग्राफ्स. बट अराउंड एंड ऑन पेनिस देयर वेर ऑलमोस्ट 100 ऑफ वॉट्स, एंड दिस क्लिक्ड मी. एंड आई प्रिस्क्राइब सोराइनम 200 टू दैट पेशेंट, एंड ऑल दी वॉर्ड्स विद इन 15 days कंप्लीटली क्लियर. सो दैट वॉज द ब्यूटी ऑफ होम्योपैथी. सो वॉट आई वॉन्ट टू शेयर इज माई एक्सपीरियंस. हमने इतने सारे रूब्रिक्स तो देखे, लेकिन हमारी रूटीन प्रैक्टिस में मेरी खास करके जो मैंने ऑब्जर्व किया है वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ. सो द मोस्ट इफेक्टिव मेडिसिन फाउंड इज थूजा, बट आई प्रिस्क्राइब थूजा इन लोअर पोटेंसी, दैट इज द 6 पोटेंसी. कॉस्टिकम आई यूज टू प्रिस्क्राइब इन 200, डलकामारा इन 30, सबाइना इन 30. सबाइना ऑल्सो फाउंड टू बी वेरी गुड मेडिसिन फॉर मैनेजिंग दी वॉर्ड्स. सेपिया 200. सो दिस वेर दी बेनिफिट्स ऑफ दी होम्योपैथी. नाउ आई एम ऑल्सो शेयरिंग वन अनदर गुड केस ऑफ दी एक्जिमा. अ मेल 39 ईयर्स सफरिंग फ्रॉम एक्जिमा ऑन सोल सिंस 8 to 9 ईयर्स. द होल फैमिली इज टेकिंग होम्योपैथिक मेडिसिन विद अ रूटीन कंप्लेन सिंस लास्ट. दिस पीपल आर यूज टू कम फॉर होम्योपैथिक मेडिसिन टू मी ओनली. ही हैड टेकन लॉट ऑफ एलोपैथिक मेडिसिन फॉर एक्जिमा इन प्रीवियस ईयर्स बट नॉट इम्प्रूव. सो एक्सपेक्टेड दैट इट वुड नॉट बी क्योर. आइडियली क्या होता था कि ये जो पेशेंट मेरे पास आता था हमेशा सॉक्स पहन के आता था, मतलब शूज में, शूज बाहर निकाल के मेरे पास सॉक्स के पास साथ आएगा, तो उसका जो एक्जिमा का प्रॉब्लम था दैट वॉज ऑन द सोल. सो आई नेवर एंड ही नेवर कंप्लेन, बिकॉज उसको ऐसा था कि ये एक्जिमा कभी ठीक होने वाला ही नहीं है. सो एज इट वॉज ऑन सोल्स एंड पेशेंट ऑलवेज कम विथ सॉक्स, शूज एंड सॉक्स, इट वॉज नॉट नोटिस. बट वंस ही केम विथ चप्पल एंड आई जस्ट सो इट. सो आई इंक्वायर अबाउट इट एंड ही सिंपली आस्क मी विल इट बी ट्रीटेड विथ होम्योपैथी, ये होम्योपैथी से ठीक होगा. आई एक्सप्लेन अबाउट द स्कोप ऑफ होम्योपैथी इन एक्जिमा. आई स्टार्टेड समराइजिंग हिज कंप्लेन. एक्जिमा ऑन बोथ सोल्स विद ब्लैकिश डिस्कलरेशन. स्किन वॉज लिटल थिक एंड इट्स इच. वेन ही वॉज फ्री देर वॉज नो ऑब्वियस मोडालिटी. ही वॉज अ फाइनेंस एडवाइजर एंड इज हैविंग हिज ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर्म. मेरा भी पूरा फाइनेंस का यही यही देखते हैं. पेशेंट वॉज ऑफ मॉडरेट बिल्ट, डार्क इन कॉम्प्लेक्शन. ही वॉज फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्विंग कंप्लेन ऑफ गैस एंड इंडाइजेशन. ही हैज टू ट्रेवल वेरियस प्लेसेस फॉर डिलीवरिंग लेक्चर्स ऑन फाइनेंस. मेंशन अबाउट प्रॉब्लम ऑफ कॉन्स्टिपेशन व्हेन एवर ऑन टूर. डिजायर फॉर स्वीट्स वॉज देयर. एल्स देन दिस देर वेर नो अदर कंप्लेन्स. एंड सी द कंडीशन, दिस वॉज हर कंडीशन. इस कंडीशन में एब्सोल्युटली ब्लैक थिक लेदरी स्किन. कंसिडरिंग द अबव फैक्ट्स फॉलोइंग पॉइंट्स वर कंसिडर इन टू द फॉर्मिंग टोटालिटी. एक्जिमा, इरप्शन एक्जिमा, इरप्शन ब्लैकिश, स्वीट डिजायर फॉर कॉन्स्टिपेशन ट्रेवलिंग वाइल, एंड द मेडिसिन इमर्ज आउट वॉज दी लाइकोपोडियम. सो आई सिंपली प्रिस्क्राइब लाइको 0/3, 10 ड्रॉप्स BID फॉर 2 वीक्स. सी, आई विजिटेड NIH अराउंड 3 to 4 ईयर्स बैक, वेर आई हैव सीन दे आर मैक्सिमम यूजिंग दी 0/3 पोटेंसी, आई मीन टू से LM पोटेंसी. फॉर रूटीन प्रैक्टिस आई यूज टू प्रिस्क्राइब 30 to 200 पोटेंसी, बट वेन आई फाइंड दी एक्जिमा सम हाउ आई हैवन फाउंड दी गुड रिजल्ट विद यूजिंग 30 or 200. सो दैट इज वाई इन सर्टेन केसेज ऑफ एक्जिमा एंड सोरियासिस, लाइक I mean to say the chronic cases, which are almost for 8 years, 10 years. So in these cases, I usually prescribe the LM potency. So this was continued for almost 1.5 year. And there was improvement in all his complaints. Even gastric problem was also reduced. I continued the same almost for 3 months, and remarkable changes
was noticed. You can see the entire black eczema completely cleared. So he was also amazed कि सर मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये जाएगा, बिकॉज दैट प्रॉब्लम वॉज ऑलमोस्ट फॉर 10 ईयर्स, बट दैट प्रॉब्लम वॉज कंप्लीटली क्लियर इन ओनली 3 मंथ्स ऑफ द मेडिकेशन. सो दीज आर द जनरली थिंग्स व्हाट आई हैव नोटेड फॉर द केसेस ऑफ एक्जिमा. एक्जिमा विथ थिक क्रस्ट, देर इज दी स्टेफिस एग्जिमा, एक्जिमा मेंस्ट्रुअल अफेक्शन विथ मैग्नेशियम एसिडिकम, एक्जिमा एग्रेवेटेड मेंस्ट्रुएशन मेनोपोज मैग्नेटियम एसिडिकम, एक्जिमा विद डाइजेस्टिव अफेक्शन लाइकोपोडियम, एक्जिमा विद गैस्ट्रिक डिसऑर्डर लाइकोपोडियम, एक्जिमा विद लीवर अफेक्शन लाइकोपोडियम, एक्जिमा विद यूरिन अफेक्शन लाइकोपोडियम, एक्जिमा विद यूरिनरी डिसऑर्डर लाइकोपोडियम. दीज आर द रूब्रिक्स फ्रॉम बोरिक रेपर्टरी. सो यू फाइंड लाइकोपोडियम कम स्टैंड्स फॉर ऑलमोस्ट कवरिंग ऑलमोस्ट ऑल सिम्टम्स, एक्जिमा रूमेटिक गाउटी पर्सन रस्टॉक्स, एक्जिमा में एक्यूट एक्यूट फॉर्म चिनियम सर्व क्रोटोन डी रस्टॉक्स, एक्जिमा विथ थिक क्रस्ट अफेक्शन मैग्नेटियम एसिडिकम. सो एक्जिमा इचिंग विदाउट सिक्यूटा, एक्जिमा मॉइस्ट क्रियोस्टम लापा सल्फायर्ड विंका, एक्जिमा न्यूरोटिक एनाकार्डियम जिंकम, एक्जिमा रिकरेंट कोमोकाइलिया डेंटेटा, एक्जिमा स्कर्फी क्रियोसोटम, एक्जिमा फ्रॉम सन एक्सपोजर म्यूराटिक एसिड, एक्जिमा वॉशिंग एग्रावेट्स आर्स आयोड, एक्जिमा एग्रावेटेड आफ्टर वैक्सीनेशन मिजेरियम, एक्जिमा वर्स एट सी शोर ओशन वोएज एक्सेस ऑफ सॉल्ट नेट्रम्यूर, एक्जिमा विद पिगमेंटेशन इन सर्कुलर सर्कमस्क्राइब एरियाज फॉलोइंग बर्बेरिस वल्गारिस. सो एक्जिमा नियर बियर्ड आर्स आयोड, एक्जिमा फिंगर टोज विथ नेल्स बोरेक्स, एक्जिमा एट हेयर मार्जिन हाइड्रिस्टिस, एक्जिमा ऑफ होल बॉडी क्रोटोन टीक, एक्जिमा बिहाइंड ईयर क्राइसोर्बिनम ग्रेफाइटिस मेजेरियम, एक्जिमा ऑफ फेस कार्बोलिक एसिड क्रोटोन टीक सल्फायर सल्फर विंका, एक्जिमा फ्लेक्सर ऑफ जॉइंट्स एथुसा ग्रेफेटेस नेट्रम्यूर सेपिया, एक्जिमा हैंड बर्बेरिस बोविस्टा ग्रेफाइटिस पिक्स लिक्विडा, एक्जिमा ऑफ पडेंडम क्रोटोन टीक एंड रस्टॉक्स, एक्जिमा ऑफ स्काल्प कैल्केरिया ओलिंडर सेलेनियम विंका, एक्जिमा मेडेनियन वीपिंग ग्रेफाइटिस मेजेरियम सेपिया बिहाइंड द ईयर दैट इज वेरी कॉमन. सो अगेन द टेक होम मैसेज फ्रॉम माई एंड इज माई एक्सपीरियंस इज लाइकोपोडियम ग्रेफाइटिस सेपिया नेट्रम्यूर रस्टॉक्स क्रोटोन टीक. जनरली आई एंश्योर द गुड रिजल्ट बाई यूजिंग दिस मेडिसिन एंड एज आई टोल्ड यू द लाइको ग्रेफाइटिस सेपिया नेट्रम्यूर दैट हैज गिवन गुड रिजल्ट इन एलएम पोटेंसी एंड क्रोटोन टीक समहाउ आई फाउंड गुड रिजल्ट विथ 200 पोटेंसी. सो कंक्लूजन ऑफ माई टूडे सेशन, दो द होम्योपैथिक मेडिसिन सीम्स टू बी वेरी स्मॉल सॉफ्ट एंड स्वीट बट इट कैन मैनेज ऑल द कॉमन कंडीशंस वेरी फास्ट एंड स्विफ्ट. द होम्योपैथी इज द मोस्ट इफेक्टिव मोड ऑफ मेडिकेशन इन जनरल क्लिनिकल प्रैक्टिस. ऑन कंपेयरिंग एफिकेसी ऑफ होम्योपैथी वर्सेस एलोपैथी, सी वर्सेस एलोपैथी इन जनरल क्लिनिकल प्रैक्टिस, द होम्योपैथी इज सॉफ्ट, इट इज स्विफ्ट इन इट्स एक्शन, एंश्योर रैपिड एंड जेंटल रिजल्ट्स एंड कैन ऑल्सो बी इंडिकेटेड वेरी फास्ट. देर इज अ मिथ कि होम्योपैथिक में 3-4 घंटे हिस्ट्री लेनी पड़ती है. जरूरी नहीं है भाई, 10-15 मिनट में भी आप कंक्लूजन पे आ सकते हो, मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हो. मैंने शुरुआत में ही आपको अलग अलग तरीके बताए मेडिसिन को इंडिकेट करने के लिए. सो बिफोर आई एंडिंग माई सेशन, लेट मी गिव माई ग्रेटिट्यूड्स. आई एम हाईली एंडेप्टेड टू माई वाइफ डॉक्टर जंकना देसाई. मेरी प्रैक्टिस में शायद उनका काफी रोल है, उन्होंने कहीं जगह पे कहीं ना कहीं मुझे काफी हेल्प की है. सो आई कैन डेफिनेटली रिकोगनाइज हर. देर आर सर्टेन पीपल्स हु हैव डिरेक्टली इनडायरेक्टली आर इन्वॉल्व इन शेपिंग मी टू दिस लेवल, सो आई शुड नॉट फॉरगॉट. सो दिस आर द ग्रुप ऑफ पीपल, डिरेक्टली इनडायरेक्टली दे आर विथ मी ऑल द वे एंड दे हैव सपोर्टेड मी टू बी एट दिस लेवल वॉट आई एम टूडे. सो माई सिंसियर ग्रेटिट्यूड्स टू ऑल ऑफ दैम. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ डॉक्टर मास्टर सैम्यूल हैनीमैन. सो अगेन ऑन दिस गुरु पूर्णिमा, माई सिंसियर ग्रेटिट्यूड टू डॉक्टर सैम्यूल हैनीमैन, हमारे सबके गुरु. जय हैनीमैन, जय होम्योपैथी. सो
डॉक्टर फरोही जी, हाँ सर, वंडरफुल वंडरफुल प्रेजेंटेशंस। मैं कहूँगा हाँ ऐसे वंडरफुल इसलिए कहूँगा कि आपने एक जो शुरू में मैंने सुना आपने जो लॉ ऑफ सिमिलिया और सॉरी सिंपली सिंपल, तो सिंपल को आपने इस तरह से समझाया है, मुझे बहुत ही प्रभावित हुआ कि सिंपल को लोग कुछ और समझते हैं, लेकिन आपने जितना प्रैक्टिकल यूज, आपके लेक्चर्स को मैं देख रहा था, बड़ा ध्यान से सुन रहा था, और ये इतना प्रैक्टिकल अप्रोच है आपका, शायद ये फॉलो करने से, और एक इंसाइट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है जो कि हम लोगों को इंसाइट नहीं होने के कारण हम लोग कहते हैं केस टेकिंग बहुत लंबा होता है। अगर बिल्कुल केस सर, टेकिंग का परसेप्शन, एक होता है देखना रोगी को, केस टेकिंग करना एक परसीव करना, तो परसीव करने का तो एक हम लोग को कहते हैं कि तीसरी आंख भी होनी चाहिए, हाँ, बिल्कुल शंकर सर, भगवान के तीसरी आंख थे, तो वह डॉक्टर के पास में थर्ड आई जो होना चाहिए वो होना चाहिए, तो 15 मिनट भी काफी होता है। और मुझे याद है मैं एक बार बीड में लेक्चर दे रहा था, तो लोगों ने मुझसे कहा कि सर होम्योपैथिक प्रैक्टिस को रिपोर्ट्री के माध्यम से ओपीडी में नहीं किया जा सकता है। मैं डॉक्टर भासमे साहब के कॉलेज में था, लेक्चर दे रहा था, मैं कहा कि क्यों नहीं दिया जा सकता है बताओ, तो सर ये केस टेकिंग करो, रिपोर्टराइज करो और 100 रोगी को देखो, ये संभव नहीं है। मैं कहा कि आपको बैठा कर दिखलाता हूँ, मैंने कहा कि मैं क्लास लूंगा आपका प्रैक्टिकल ओपीडी में, तो दूसरे दिन हम लोगों को प्रैक्टिकल ओपीडी में मैंने किया, और मैंने उस दिन 60 पेशेंट्स थे और उनके जो अलॉटेड टाइम थे सारे केसेस में मैंने रिपोर्टरी जानबूझ करके यूज किया कि लोग देखें कैसे मैं केस टेकिंग भी कर रहा हूँ, साथ में रिपोर्टराइज भी कर रहा हूँ और लोगों को देखें। शुरू में मुझे थोड़ा सा डिफिकल्टी हो रहा था क्योंकि मराठी लैंग्वेज का, लेकिन चार बिल्कुल पांच केस देखने के बाद में मुझे लैंग्वेज भी थोड़ा सा समझ में आने लगा और ज्यादा समझने लगा। तो होता क्या है कि परसेप्शन जो है, जो पेशेंट का लैंग्वेज थोड़ा सा अगर आप ध्यान दोगे तो बहुत ही बढ़िया से हो जाता है, जो कि आज आपने मेरी इस पुराने याद को ताजा कर दिया कि कैसे शॉर्ट केस टेकिंग भी संभव है, डिटेल्ड केस टेकिंग भी, हाँ कॉम्प्लिकेशन होते हैं तो थोड़ा सा समय लगता ही है। इसके साथ में मैं कुछ क्वेश्चन स्किल भी साथ है, मैं इनको देख लेता हूँ। बिल्कुल सर, सभी लोगों ने कहा थैंक यू थैंक यू थैंक यू, देन मेंशंस ड्यूरिंग बाथिंग 2-3 टाइम्स ए डे एंड हेयर फॉलिंग, एक सवाल लोग पूछ रहे हैं, और दूसरा सवाल है रिपीटेशन कैसे रखना है हेयर फॉल केस में। सर हेयर फॉल केस के अंदर मैं रिपीटेशंस जनरली मैं अपनी बात बताता हूं कि ज्यादातर अगर आप देखेंगे ना सर हेयर फॉलिंग के केसेस में जिसमें एक्वायर्ड कंडीशन रहती है, तो एक्वायर कंडीशन को ध्यान में रखते हुए मैं जनरली बीडी देता हूं। जैसे अगर मैंने कार्बोवेज प्रिस्क्राइब किया है तो कार्बोवेज 200 ट्वाइस इन अ डे, 4 पिल्स, 30 नंबर ग्लोब्यूल्स ट्वाइस इन अ डे। एंड जनरली मैं पेशेंट्स को पहले से ये कन्वे करता हूं कि भाई अगर आप हेयर फॉलिंग के लिए मेरे पास आ रहे हो तो कम से कम आप मुझे 1 महीने या 1.25 महीने का टाइम दीजिएगा, क्योंकि जो हेयर फॉलिकल्स वीक हो गए जहां से पूरा का पूरा हेयर निकल जा रहा है, जब तक वो पूरी तरह से स्ट्रेंथ नहीं होगा, बाल को पकड़ में मजबूत नहीं करेगा, तब तक तो हेयर फॉलिंग रहना ही है। लेकिन संजोग की बात ऐसी है सर कि पहले ही 15 दिन में पेशेंट आके बोल देता है सर फायदा होना शुरू हो गया, सो दैट इज आवर सेटिस्फेक्शन। बट जनरली आई प्रिस्क्राइब ट्वाइस बीडी, 4 पिल्स बीडी, एंड जनरली आई प्रिस्क्राइब 30 और 200 पोटेंसी सर। बहुत अच्छा जानकारी आपने दिया है सर, और बाकी कमेंट्स में लोगों ने बहुत ही अप्रिशिएट किया है, वेरी नॉलेजेबल केसेस, थैंक यू वेरी नाइस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, से भरा हुआ है हमारा चैट बॉक्स, और माय प्लेजर सर, हाँ चैट बॉक्स खाली थैंक यू है सर, सो इट इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने आपको आज यहाँ पर आमंत्रित करके हम लोगों ने एक अच्छा यादगार सेशन हम लोगों को मिला है, और जिसके लिए कि मैं IFPH फोरम से की तरफ से आप सबको आपको बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं। आप इसी तरह से फिर आइए, कुछ मार्गदर्शन करिए, और अब सेशन का समय समाप्त हो चुका है, मैं डॉक्टर मनीष को कहूंगा कि काइंडली क्लोज द सेशन विद द वोट ऑफ थैंक्स। डॉक्टर मनीष यू आर हियर, सर मनीष सर शायद लीव कर गए हैं या ओके गलती ओके से हो गए हैं, सर नहीं है, मैं आप हूँ। ना, सो ना, इनके जगह पर आप कर दीजिए। यस सर,
थैंक यू सो मच पूरब सर, आज हम लोगों को अपना टाइम देने के लिए और इतना नॉलेज देने के लिए। और मैं IAPH की हिंदी टीम की तरफ से आपका धन्यवाद करती हूँ, और यही कहूंगी कि आगे भी आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़ते रहें और हम सभी लोगों का ज्ञानवर्धन करते रहें। तो आज आने के लिए थैंक यू सो मच सर, और इसी के साथ में हमारा 7 बजे से 8 बजे तक का हिंदी IAPH कार्यक्रम समाप्त होता है, और 8 बजे से 9 बजे तक के इंग्लिश सेशन के लिए जो लोग भी आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं सेम लिंक से जुड़े रह सकते हैं। और अगला सेशन धनेश सर मॉडरेट करेंगे, उसके लिए मैं माइक उनको हैंड ओवर करती हूँ। ओवर टू यू सर। डॉक्टर थैंक यू पूरब वेरी जी, मच। आप डॉक्टर पूरब जी, आप अपना PPT को हटा दीजिए अब। ठीक है सर, सर प्लीज धनेश सर को को होस्ट बना दीजिए, आई थिंक वो ओके 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 अनम्यूट। ओके ओके। हाँ।